हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस तरह की गोस्ट अफेक्ट वाली वीडियो बनाना चाहते हैं, क्या बोला तूने, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको बहुत आसान तरीका से इसका ट्यूटोरियल सिखाने वाला हूँ। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन में जाना है। उसके बाद आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने वीडियो के साइज के हिसाब से एस्पेक्ट रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको मीडिया पे जाके किसी भी एक कलर को लेकर के आना है। आप चाहे ब्लैक, वाइट, जो भी कलर चाहे आप लेकर के आ सकते हैं। मैं ब्लैक कलर को चॉइस कर लेता हूँ। इसको फिर आप अपने वीडियो क्लिप के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। फिर आप लेयर पर जाइए, फिर मीडिया पर जाइए, फिर जो भी वीडियो आपने रिकॉर्ड किया हुआ उसको लेकर के आ जाइए। वीडियो आ जाने के बाद आप इसको जूम कर दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। मैंने अपने वीडियो की रिकॉर्डिंग कैसे की है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, जाके पहले थोड़ा सा लेटना है अपने आंखें बंद करके, उसके बाद आपको बैठना है और पीछे देखना है बस। ठीक है, अभी आप जहाँ पे आप लेटे हुए थे, ठीक है, इस वाले पोर्शन का आपको कैप्चर ले लेना है। यहाँ पे जाके आप कैप्चर ले लीजिए, आपका ये गैलरी में सेव हो जाएगा। कैप्चर में सेव कर दीजिए, ठीक है, ये आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। फिर इस कैप्चर का आपको बैकग्राउंड लेकर के आना है। मैं जल्दी से लेकर के आ जाता हूँ। है, और बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है वो मैंने आपको पहले भी आपको वीडियो में बता दिया है, आप चाहे जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आपका बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद आपको लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, फिर उस पीएनजी को लेकर के आना है। मैं लेकर के आता हूँ। ये पीएनजी आ जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको इसके हिसाब से ही इक्वल कर देना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से इक्वल कर दीजिएगा, मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसको ओके कर दीजिए। फिर इसके लेंथ को आप वीडियो क्लिप के हिसाब से थोड़ा बढ़ा दीजिए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ये ओके करने के बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है, जो पीएनजी है, उसका आपको ओपेसिटी को कम कर देना है। ठीक है, नीचे में जाइए, अल्फा ओपेसिटी में जाइए और उसको 60 कर दीजिए, 60 के आजू बाजू। ठीक है, ओके कर दीजिए। अभी आपका देखिए कैसे वीडियो बन के रेडी हुआ है। ठीक है, आपका पूरा वीडियो बन जाने के बाद आप यहाँ पे आपको जितना चाहिए वीडियो क्लिप उसके हिसाब से आप यहाँ पे ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर दीजिए, इसको भी सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम पर जाइए, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर दीजिए, इस पर भी जाइए, ट्रिम पर जाइए, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर दीजिए। ठीक है, ओके कर दीजिए। पूरा वीडियो बन जाने के बाद आपको इस सेव वाले बटन पर जाना है, आपको अपने वीडियो के क्वालिटी के हिसाब से इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके,